आप जैसा कमजोर वकील मैंने आज तक नहीं देखा। काश एडवोकेट मेहरा ने आपका नाम रिकमेंड नहीं किया होता। पता नहीं मैं आप पर कैसे भरोसा कर बैठी जो ये केस मैंने आपको दे दिया। आप तो ये केस आखिर तक लड़े ही नहीं। मैं सोच भी नहीं सकती कि हमारा वकील इतनी बुरी तरह से हार सकता है। वेरी सॉरी मैडम, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने पूरी कोशिश की थी। लेकिन मानिए, अगर साक्षी का क्रॉस एग्जामिनेशन होता तो ये केस हम जीत जाते। लेकिन रवि ने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया। पर अगर मैं कोर्ट रूम में कुछ बोलता भी तो जज साहब और प्रोसिक्यूशन का वकील मुझे कुछ बोलने नहीं देता। रवि ने अपना गुनाह खुद कबूल करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार। हाँ बताइए मैडम, इसमें मेरी क्या गलती है? आपके लिए ये कहना बहुत आसान है, क्योंकि आप नहीं जानते कि जो रवि के साथ जुड़े हैं उनकी जिंदगी पर इसका क्या असर होने वाला है। सजा रवि को नहीं, सजा हम सबको मिलने वाली है, खास करके मेरी बेटी को। वो तो जीते जी मर जाएगी, पता नहीं क्या भी देखी उसकी। संभालिए अपने आप को मैम। चलिए यहाँ के कोई फायदा नहीं। मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। आप क्यों कर रहे हैं ये सब मेरे साथ? ये कैसा इम्तिहान ले रही है? आज तक आपने जितनी मुश्किलें मेरी जिंदगी में दी, हर बार मुझे लगा कि आप बस मेरा इम्तिहान लेना चाहती है। हर मुश्किल को चुनौती समझ के उसका सामना किया मैंने, जूझती रही, लेकिन आप पर अपना भरोसा कभी कम नहीं होने दिया। हमेशा सोचती रही कि अम्मी मां जो करती है अच्छे के लिए ही करती है, लेकिन अब ये सब आप क्यों कर रही है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अम्मी मां, आपको पता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। पॉन्ट के ऊपर गोली रवि ने नहीं चलाई थी, मैं जानती हूँ, आप जानती हैं। तो फिर क्यों? आपको पता है, बचपन से लेकर आज तक हमेशा मैं सोचती रही कि चाहे और कोई मेरा साथ दे या ना दे, ये अम्बे माँ है ना मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। लेकिन आज मुझे लग रहा है जैसे आपने ही मेरा साथ छोड़ दिया है। आप ही नहीं चाहते कि मैं और रवि साथ रहे। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कितनी बेवकूफ है, इतना भरोसा करती है, लेकिन मैंने कभी किसी की बात नहीं सुनी। आप में अपनी श्रद्धा को मैंने कभी कम नहीं होने दिया। लेकिन आज मैं नहीं समझ सकती अम्मी मां कि मुझे रवि को आप क्यों अलग कर रही है। आपको पता है ना मेरी जान बसती है उसमें, और अगर वो कुछ गलत करता तो मैं कभी उसका साथ ना देती। लेकिन वो ठीक है, वो सही है, वो बेगुनाह है। आपकी शक्ति पे, आपकी भक्ति में इतना भरोसा था मुझे, लेकिन अम्बे मां आज पहली बार मेरा वो भरोसा टूट रहा है। मेरा भरोसा टूट रहा है, मेरा विश्वास टूट रहा है, मेरी श्रद्धा कम हो रही है अम्बे मां। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने जो आप मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा दे रही है। मुझे तो लगा था कि इतनी मुश्किल आने के बाद आप मुझे रवि को अपना आशीर्वाद देंगी, और दिया मेरा बच्चा। अगर आपको मुझसे सारी खुशियां छीननी थी तो क्यों दिया मुझे ये बच्चा? मेरी कोख में जो नन्ही सी जान पड़ रही है, मैं क्या कहूंगी उससे जब वो बाहर आएंगे, मुझसे पूछेगी कि उसके पापा कहाँ हैं? मैं क्या कहूंगी? आपने मुझे खुशी दी है ना, क्यों दी मुझे ये खुशी? फिर क्यों दी मुझे ये खुशी? मैं रवि के बिना जी नहीं सकती, लेकिन उसके साथ अब तो मर भी नहीं सकती। कैसे मरूं मैं? अगर मैं मर गई तो मेरी नन्ही सी जान भी मर जाएगी। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपको मुझसे सारी खुशियां छीननी थी तो मुझे खुशी दी क्यों? मैं जो मैं रवि के साथ
आर्ट भी नहीं पाए। क्या क्या सोचा था मैंने, उसकी पार्टी खत्म होगी, मैं जाऊंगी, उसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दूंगी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे आप पर अब भरोसा नहीं है। आपको हमें 2 महीने पहले ही मार देना चाहिए था। आपको अलग करना था ना मुझे और रवि को, तो क्यों बचाया आपने पहाड़ी से, क्यों बचा लिया, मर जाने देती ना। अब तो ना जीने की चाहत है ना मरने की इजाजत। मैं क्या करूं अम्मी, मैं आपसे बहुत नाराज हूं, मैं बहुत नाराज हूं आपसे। गलती से सही, लेकिन जब लाइट्स बंद हुई तो मेरे हाथ से ट्रिगर दब गया था। देविका गोली चल गई थी मुझसे, लेकिन सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने मोंटी की तरफ गोली नहीं चलाई, मैंने तो गन किसी और दिशा में पॉइंट की हुई थी, और तुमने तो देखा वो मोंटी एकदम से पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। मुझे, मेरे दिमाग ने काम नहीं किया, मैं कैसे मोंटी को रोकता, तो मुझे लगा कि अगर मैं गोली चलाऊंगा तो शायद उसके धमाके से वो डर जाए और वो होश में आ जाए। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे को मेरी बात का यकीन करो, मैंने अपने भाई को नहीं मारा, मैं भाई को कैसे मार सकता, तुम्हें तो मालूम मैंने मोंटी से कितना प्यार करता हूँ। मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे मैंने मोंटी को रोकने के लिए ट्रिगर दबाया, लाइट चली गई, और जब लाइट वापस आई, गोली उसको, मैंने गोली नहीं चलाई उसकी तरफ। मेरी बात का यकीन करो देविका, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। और वो कोर्ट में मैंने इसलिए किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि इतनी सारी बातें वहां पर चल रही थी, तो मैं बिल्कुल उलझ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो और वैसे भी मेरी इस बात का कोई भी यकीन नहीं करता देविका, सिवाय तुम्हारे। तुम मुझे पता है तुम अपने रवि पर विश्वास करती हो ना, तुम समझती हो ना रवि को, तुम्हारा रवि। मैंने सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने मोंटी को नहीं मारा, मेरी बात का यकीन करो। इसका मतलब रवि सच बोल रहा था, जो गोली रवि ने चलाई है मोंटी उस गोली से नहीं मरा है, रवि ने जो गोली चलाई वो तो यार दीवार में आकर लगी थी। इसका मतलब मोंटी पर गोली चलाने वाला कोई और था। ये वही वो गन है जिसे रवि ने मोंटी के ऊपर गोली चलाई। ये गन मोंटी के नाम पर रजिस्टर्ड है और इसी की बुलेट से मोंटी की हत्या हुई। मेरे दिमाग में बात पहले क्यों नहीं आई? मैं तो जानती हूँ कि रवि ने जो गन ली थी वो मेरे पास से ली थी, तो जाहिर सी बात है कि गोली मेरी गन की होनी चाहिए, लेकिन लेकिन मोंटी जिस गोली से मरा है वो मेरी गन थी नहीं,
इसका मतलब गोली भी किसी और ने ही चलाई है। मैं इस गोली से प्रूफ कर सकती हूँ कि रवि गुनहगार नहीं है, किसी और ने मोंटी को मारा है। रवि ने तो बस मोंटी को डराने के लिए वो गन उठाई थी अपने हाथ में ताकि वो डर जाए और वो बोतल अपने हाथ से छोड़ दे। मैं रवि को बचा सकती हूँ।